सभी साथियों को नमस्कार। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैडम आप कैसे घर और बाहर में मैनेज करके इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेती हैं। तो आज मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखाऊंगी। मुझे आज अपने स्कूल के बच्चों को लेके स्काउट गाइड रैली में प्रतिभाग कराने लेके जाना है। ये 3 दिन का प्रोग्राम है, मेरा नाइट स्टे भी वहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में घर पर कैसे मैनेज होता है? सबसे ज़्यादा समस्या भोजन कौन बनाएगा। हालांकि मेरे घर में सभी भोजन बना लेते हैं, मम्मी पापा, दिव्यांश, गुनगुन थोड़ा बहुत, और तो नहीं कर पाती, लेकिन कुछ उसने सीखना शुरू किया है। हस्बैंड भी मेरे बना लेते हैं, पर वो मूड ही है, उनका मन किया तो बनाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं बनाएंगे। तो इस बार क्योंकि ये दिसंबर का महीना है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कुछ इस तरह की प्रिपरेशन कर दी जाए कि जो है खाना बनाने में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है 3 दिन के लिए, आगे चलते हैं। मैंने कोशिश की है कि मेरे पीछे जो है फैमिली को ज़्यादा कष्ट ना हो। तो आज शाम की सब्ज़ी ज़्यादा बना दिए तो शाम को सब्जी हो जाएगी, और ये आटा सना हुआ है तो बच्चे इसे रोटी बना लेंगे, या पराठा खाने का मन होगा तो पराठा बन जाएगा। कल सुबह के लिए ये नमूना के लिए मटर और ये उसका मसाला, तो ये कल का है। आलू छील लेंगे, इसमें आटा और एक्स्ट्रा सना हुआ है, दो टाइम का हो जाएगा। और ये देखिए ये लहसुन मिर्चा अदरक चटनी की जरा है, इसको चटनी इस्तेमाल कर लेंगे। ये कल शाम के लिए बना के रखा है, आलू मटर की पूरी बच्चे बना लेंगे, और ये एक्स्ट्रा आलू उबाल के रख दिया कि कहीं कोई ज़रूरत होगी तो वो इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कुछ हेल्प मैंने घर वालों की है कि मेरी नारी में जब भी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो, तो इस तरह से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं धीरे धीरे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि यदि कोई सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।